सो गाइस, जैसे कि हमने आपसे सुबह में बोला था कि हम शाम में मिलेंगे और जाएंगे अपने गांव के चौरा में जहाँ पे खेत पानी होनी है वहाँ पे शूट करेंगे। इधर फैसल भाई आ चुके हैं, स्टोरी ले रहे हैं। फैसल भाई, हाउ इज योर फीलिंग, कैसा लग रहा है यहाँ की एनवायरनमेंट? बहुत शांति है भाई, हवा भी बहुत अच्छा है, एकदम प्योर प्योर आ रहा है। और यहाँ भूत भी रहते हैं, फैसल भाई को नहीं पता है। छोड़ो भाई, ठंडा बहुत है, दो दिन पहले दिल्ली से है, दिल्ली के गर्मी भाई 40-41 डिग्री, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आके घर पे भाई बहुत अच्छा ठंड लग रहा है। अभी हमने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लिए जो कि फैसल भाई के इंस्टा आईडी पे आपको मिल जाएगा। बाकी आप मजे करो यार, एंजॉय करो आप। जब मैं छोटा था, जब मैं 8-9 साल का था, जब मैं गांव में रहता था, तब इधर अपना खेत है, इधर इस साइड में मुझे ध्यान है, इस साइड में अपना एक खेत है और इधर है। तो मेरे जो नाना है, तो नाना वो लोग खेती वगैरह करते थे, तो हम उनके साथ आया करते थे खाना वाना लेकर। और एक बार याद है मुझे ना, मतलब क्या बोलते, बचपन में ना प्यास लग गई थी बहुत गर्मी, मैं इसी का पानी पी गया था यार। इतनी प्यास लग गई थी, तेज पानी वगैरह था नहीं पहले, मतलब पहले आज से ये 10-15 साल पहले की बात है। तो काफी मेमोरीज है यार इधर की, मतलब हम यहाँ पे मछली मारने आए करते थे, दोस्तों के साथ आते थे, वो मछली मारते थे, इसके अंदर मछलियाँ होती थी, फिर घर ले जाकर। भाई बचपन की मतलब मेमोरीज की बात ही अलग होती है। तो वी आई एंजॉयड अलॉट एट दिस प्लेस, एंड वंस अगेन हम फिर से आए हुए इस जगह पे अपनी वो सारी पुरानी मेमोरीज को ताजा करने, और आपको हम दिखाएंगे अपने गाँव की खूबसूरती। और हमारे ये गाँव की शिमला मनाली से कम नहीं है भाई, इतनी तेज तेज हवाएं चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी है, पानी होनी है एकदम पूरा मस्त। आप एंजॉय करो। अच्छा, तो अभी अपने को फ्रेम में जा रहा है, वेट गाइस वेट। चले तो हम बोले हम क्यों पीछे रहेंगे, हमने भी कैमरा लगाया निकाला और हमने इस पे हुड भी लगा दिया, देख रहे हो। तो हमारा कैमरा बड़ा है भाई, ले लीजिए गाइस, कितना 45 mm ले लीजिए गाइस, ले लीजिए गाइस, देख रहे हो गरीब है भाई, देख रहा है, देख रहे हो कितना बड़ा है, देख रहे हो, देख रहा मतलब कितना बड़ा है, देख रहा मतलब नहीं, सबसे महंगा कैमरा है ये, देखने में छोटा है ये, 50 mm नहीं लगा रहा अभी। ये जो रोड है, इस रोड से अभी हम आए थे, देख रहे कितना मतलब कच्ची मिट्टी रोड है, इधर से सीधे 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 जिधर वो घर दिख रहा है ना वो व्हाइट वाला, उधर अपना गांव है, उधर जाना है। ये हमारे मोहसिन भाई का गांव है, और इधर जाए तो थावे पड़ जाता है, ये थावे का जंगल है जो आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो पुल है ये इस साइड से आता है पूरा पीछे के साइड से, और जहां पे इसका सबसे मतलब बड़ा वाला जो पुल है, बचपन में हम नहाया आया करते थे अपने दोस्तों के साथ, बचपन की बात ही अलग होती थी। तो एक बार मैं उसमें डूब गया था, मतलब तैरना आता नहीं था, मेरे दोस्तों ने बोला अबे तू तैर सकता है तू जा उसमें, मैं गया, मैं डूब गया था, फिर तू बियर है फिर मैं कूद गया बीच में, मुझे साइड में कूदना था, मैं बीच में ही कूद गया। अब मुझे तैरना आता नहीं था, मैं पूरा हाथ मार रहा हूँ, फिर एक गांव के लड़का आया, फिर उसने मुझे निकाला बाहर। और ये बात आज तक मेरे शायद नाना के अलावा या मेरे मम्मी मम्मी को नहीं पता है, नाना से ही लात उत खाया था मैं, क्योंकि वो गांव के लोग बच्चे उनको ले आके बोले कि ये डूब रहा था पानी में, तो उन्हीं से लात और घुसे उसे पड़े थे बस। गाइस, इस पेड़ की बहुत रहस्य है, कहते हैं कि इस पे 50 भूत है। और फैसल भाई से मैं बोल रहा हूँ भैया चल लो अब, चल लो अब, लेकिन इनकी फोटोग्राफी की पड़ी हुई है चल लो भाई, समझ नहीं रहा, तो हमको डर लगता है भाई, भूत से मेरी बहुत फटती है। मेरी भूत से बहुत फटती है भाई, मगरिब होने दो फिर चलते हैं। मैं आज तक हॉरर मूवी नहीं देखा हूँ, हम लोग तो जो मेरे फ्लैट वाला देखता हूँ उसको पता है कितना हॉरर देखते हैं। और हमारे देख, मैं ऑडियंस को आने दीजिए, आप ऑडियंस को, ऑडियंस का फोटो ले रहा है फैसल भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है सर जी, गुड बाय। गाइस, अभी हम सबसे खतरनाक रास्ते से गुजर रहे हैं, ऑफ रोडिंग मतलब लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है। ओ भाई, कैमरा हाथ में है, अरे टेंशन क्यों, जो अनसर्टिफाइड ड्राइवर है, डीएल मिलने वाला है जल्दी, फिर सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो गाइस, लद्दाख वाली पूरी फीलिंग आ रही है बस लद्दाख वाला बाइक नहीं है
खतरनाक हमारे लिए टफ ने सबसे टफ रास्ता है भाई। रुक जा, मैं उतरूंगा कैमरा हाथ में। नो रेस चले भाई आप। तो गाइस देख रहा मैं उतरना पड़ा, बाइक धुलवाना पड़ेगा। तो आप फैसल भाई अपनी ड्राइविंग दिखाएंगे, कैमरा के सामने गिरेगा तो बेइज्जती है, बंद कर दो। फैसल भाई ना कोई यकीन नहीं करता। क्लिक बिट है भाई, एक और खतरनाक रास्ता फैसल उतर गया। अरे चल ना भाई, चलो यार इतना डरते हो तुम। भाई कैमरा हाथ में मेरी फट रही थी। अरे पकड़े रहो हाथ में। वो तो अच्छा है कि फैसल का पैर इतना लंबा है कि फैसल अरे गिरने नहीं देगा कभी। बाइक से गिरे बहुत एक जमाना हो गया। तो गाइस आप देख रहे हैं, लास्ट टाइम गिरे थे एक बार भैंसा का लड़ गई थी तब। वो भी अब्बू के साथ। फिर अब्बू बोलेंगे चल बेटा घर। नहीं भाई उनको भी दिखा था, मेरा गलती नहीं था उसमें। फिर बच गए। और फैसल कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? जानवर सबसे ना बहुत डर लगता है भाई। नहीं, वो ऐसे सीधा जाते रहेगी। हाँ। परे पे कैसे घूम गई थी, वैसे ही होता है हमेशा। नहीं नहीं बिल्कुल यार, रोड पे तो यही तो दिक्कत है। लोग के अंदर थोड़ा सेंस होता है, इधर उधर देख के जाता है। रूम के अंदर नहीं होता है वो, ऐसे जाएगी ऐसे घूम जाएगी बस। हाँ। हो गया तो उसी में हम चले गए थे रोड के नीचे। हाँ। बाइक ऊपर था। लेकिन कुछ होता है तो लोग आ जाते हैं भाई सामने, फटाक फटाक बाइक रोक क्या गम उठा रहा है लोग। अलग ही फीलिंग होती है, फील लाइक सेलिब्रिटी। बस बस सेलिब्रिटी सब लग रहा था। मेरा हड्डी पसली छूट गया, पेट पे पड़ेंगे। फैसल भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि लोग ये ना लगे कि फैसल भी एक जाली ड्राइवर है। छोटा सा ब्रेक लिया इसलिए कि ये वही पुल है और ये वही जगह है, ये वही जगह है सेंटर। यहीं से मैं जोश जोश में यहाँ से मैं नीचे कूदा था। एक बार फिर से कूदो। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं भाई। नो मोर रेस। यहाँ पे भाई मतलब जब बरसात आता था ना यहाँ, इसमें इतनी पानी हो जाती थी कि इसमें मछली मारा करते थे मतलब लोग। यहाँ पे काफी हमने ये काफी मछली मारी यार, खूब मछली खाए यहाँ। अब तो यार इधर ये घर वगैरह बन गया, वरना इधर पूरा खाली रहता था और इधर लोग डरते थे आने में। लेकिन अब तो यार पूरा फूल हो चुका, अब तो कोई मसला ही नहीं है। फैसल भाई पूरा प्लान में कुछ अंकल जा रहे हैं साइकिल से, हम यहाँ से शॉट लेंगे। फैसल भाई फुल ऑन मूड, अंकल जी धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए और फैसल भाई बस क्लिक कर दिए। आया फैसल भाई, प्लान फ्लॉप, वन मोर टेक। ये हमारे गांव की फेमस पकौड़ी और इधर है धनिया की चटनी। कहते हैं गांव आए और ये नहीं खाए तो फिर आप आए क्यों, एंड दिस इज यूनिवर्सल। सो गाइस फाइनली अभी हम बैठे हुए पकौड़ी खा रहे थे और कैमरा ही लगा था और इधर फैसल भाई है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, गांव की पकौड़ी इज परमानेंट। क्या नुकसान हुआ भाई जब बताइए? ठंडा पकौड़ी बोला, पकौड़ी ठंडा यार मिल गया खाने के लिए, वही बहुत बड़ी बात है। देखो मतलब ठंडा है लेकिन रुक नहीं रहे खाने से। अब ले लियो तो पेगो थोड़ी। सो वी विल मीट यू सून गाइस। सो गाइस फाइनली इट्स टाइम टू चाय एंड फैसल भाई चाय पी रहे हैं पूरा और उधर मोबाइल में कुछ चीजें हो रही है, मतलब प्रूफ दिखा रहे हैं फैसल भाई की ऐसी कोई बात नहीं है और सम गुड बाय हिट्स हार्ड। तो अभी अलविदा का टाइम हो गया, पहले चाय पीते, चाय गिर रहा है।